और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह का कांग्रेस के प्रदर्शन पर हमला, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उसी दिन काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये बड़ा हमला किया है अमित शाह ने। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर अमित शाह ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उस दिन काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि आज के अपने इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर महंगाई को मुद्दा बनाकर जो प्रदर्शन किया, उसके बाद अब अमित शाह ने कांग्रेस पर यह निशाना साधा। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया अमित शाह की तरफ से और कहा कि जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था उसी दिन काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी तमाम जो तानाशाही से लेकर और हिटलर जैसे शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया गया और कहा गया कि चार लोग तानाशाही कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसमें अमित शाह का भी नाम था और इसी को लेकर एक करारा जवाब अमित शाह की तरफ से दिया गया और बड़ा हमला कांग्रेस पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है कुछ और नहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी एपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज कार्यक्रम दिया विरोध का, मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे, आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को, उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति न देश के लिए सही है और न ही लोगों के लिए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये वो दिन भी याद कीजिए जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो उस दिन भी काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट किया गया था। तो फिर आज का जो प्रोटेस्ट है इसमें मंशा कुछ और है, यानी नाम महंगाई दिया गया लेकिन ईडी जिस तरह से एक्शन ले रही है उसी को लेकर ये बौखलाहट है कांग्रेस की और हमें कानून की हर एक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए, ये कहा गृह मंत्री अमित शाह। तो कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने और यह बता दिया कि 5 अगस्त को जो शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का उस दिन भी इसी तरह का प्रोटेस्ट काले कपड़े पहनकर कांग्रेस की तरफ से किया गया था। और अब महंगाई के मुद्दे पर भी तो कांग्रेस को यह तय करना होगा कि असल में उसके मुद्दे क्या हैं, क्या वाकई महंगाई को लेकर वो जनता तक जो आवाज है वो पहुंचाना चाहती है पार्टी की।
एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी एपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे, आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था, ना हिंसा हुई थी, और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टिकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है, न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टिकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। और जहां तक ईडी का सवाल है, सभी ने देश के कानून की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, गृह मंत्री अमित शाह ने ये तीखा हमला बोला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ और नहीं सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति है और इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। बिल्कुल, देखिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था राम मंदिर का, लेकिन पिछले साल 2021 में भी और 2022 में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए कांग्रेस के द्वारा। 2021 में भी संसद घेराव का नारा था और आज भी महंगाई और दूसरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सांसद काले कपड़े पहने हुए थे संसद के अंदर, संसद के बाहर। आपने पूरे दिन देखा इस तरह से राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, खुद सोनिया गांधी भी आई प्रोटेस्ट में गेट नंबर 1 संसद भवन में। तो इसी को कहीं ना कहीं गृह मंत्री और बीजेपी का कहना है कि जिस दिन 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ उसी दिन लगातार 2 साल से जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, ये तुष्टिकरण की नीति है कांग्रेस की, जो एक खास संप्रदाय एक समुदाय को खुश करना चाहती है कि वो 5 अगस्त को जो शिलान्यास हुआ था उससे वो खुश नहीं है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के विरोध को, प्रोटेस्ट को 5 अगस्त 2020 से राम मंदिर के शिलान्यास से जोड़कर ये जताना चाहती भरसक कोशिश है कि प्रोटेस्ट कांग्रेस का भले ही महंगाई पर हो लेकिन ये राम मंदिर के विरोध में है। और इसी कारण से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति है कांग्रेस से। रविंद्र, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 4 लोग हैं जिनकी तानाशाही चल रही है, तो स्वाभाविक तौर पर उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और अमित शाह को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा था बिना नाम लिए। और अब जो गृह मंत्री अमित शाह ने जिस बात का जिक्र किया कि जनता समझती है कि किस तरह से 2 चेहरे कांग्रेस दिखा रही है, डर तो ईडी का है, कानूनी प्रक्रिया का है, लेकिन नाम दे दिया गया महंगाई का। बिल्कुल, आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे से भी जो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में उनसे भी बातचीत हुई, जब ये पूछा गया कि ये तो बीजेपी कह रही कि प्रोटेस्ट आप एक बहाना है ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई पर डिस्कशन हो चुका है संसद भवन में, आपने देखा कि दोनों सदनों में महंगाई को लेकर डिस्कशन हुआ, उस पर बहस हुई, जवाब वित्त मंत्री के निर्मला सीतारमण ने दिया, बावजूद उसके उसी मुद्दे पर अगर बहाना बनाया जा रहा है 5 अगस्त को प्रोटेस्ट किया जा रहा है संसद के अंदर काले कपड़े पहनकर, खुद राहुल गांधी काले कपड़े पहने हुए हैं, प्रियंका वाड्रा पहनी है, जितने सांसद हैं उन सब की तस्वीरें आपने देखी, वीडियो देखी, पूरा देश देखा कि किस तरह से काले कपड़े पहने हुए हैं। तो ये प्रोटेस्ट भले ही महंगाई पर हो लेकिन बीजेपी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से मोर्चा संभाला कि ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये इसे कहीं ना कहीं
हिंदुत्व के मुद्दे पर ले जाया जाएगा और आगे चल के इसे राष्ट्रवाद से भी जोड़ा जाएगा। हिंदुत्व कम से कम खासकर बीजेपी उसे कांग्रेस को उस सीट पर घेरना चाहती है जो सबसे कमजोर सीट है कांग्रेस के लिए और मजबूत है बीजेपी के लिए। रविंद्र, जितनी बार भी बीजेपी ने पलटवार किया है उसमें एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की गई है कांग्रेस को, जैसा भी आपने भी जिक्र किया, आज ही प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने कहा कि सदन में तो महंगाई पर हमें बोलने ही नहीं दिया जाता और यहां पर देखिए इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा। देखिए पूरे चार घंटे के डिस्कशन हुआ चार, और आपने देखा कि दोनों सदनों में उसका जवाब वित्त मंत्री ने दिया है। और चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको जो टाइम अलॉट होता है, देखिए बीएससी में तय होता है, बीएससी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है जिसमें सभी फ्लोर लीडर होते हैं जो सभी पार्टियों के, वहां पर इशू तय होता है, समय तय होता है, जिसकी जितनी प्रतिनिधित्व है उसी हिसाब से समय दिया जाता है। कांग्रेस की मेंबर है उसी हिसाब से समय दिया गया था और कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई पर वहां चर्चा में भाग भी लिया। अब कहा जा रहा है, रविंद्र एक बार सुना देते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है, और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे, आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में ना दंगा हुआ था ना हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टिकरण की नीति ना देश के लिए अच्छी है ना कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टिकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है।